हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियोस को लाइक करते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुडेज मेकअप ट्यूटोरियल इज़ अ फेस्टिव मेकअप ट्यूटोरियल। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इस तरह का सिंपल सटल मेकअप किया है। तो फ्रेंड्स, फर्स्टली मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाना स्टार्ट कर दिया अपने ब्रश की हेल्प से, जिससे जैसे कि मैंने डॉट डॉट्स बनाए हैं। डॉट्स बनाने के बाद इसको मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लिया अपने स्किन पर। तो इसको मर्ज करने के बाद इसके बाद मैंने फाउंडेशन की डॉट्स लगाई अपने फेस पर। उसके बाद मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। टैप टैप कर कर जब आप अपने ब्रश को स्क्रैच करते हो लाइक फ्लैटर, तो इससे आपके फाउंडेशन स्मज हो जाता है, स्मज नहीं होता, ख़राब हो जाता है। इसलिए आप जब भी ब्रश यूज़ करें तो टैप टैप करें, ठीक है। इस तरीके से आपको फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने अपने फेस पे किया कंटूरिंग। मैं कंटूरिंग क्रीम कंटूर यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने डॉट्स बनानी स्टार्ट कर दी अपने बोन्स एरिया पर, जहाँ पर भी मुझे कंटूरिंग चाहिए। तो ये कंटूर मैंने थोड़ा अपने कंट्रोल लाइन से ऊपर की ओर किया था, जिससे मेरा फेस स्लिमर लग रहा था और लिफ्टेड। तो मुझे इस तरह कंटूरिंग पसंद आई। तो अब नेक्स्ट टाइम से मैं ये प्रोसीजर फॉलो करूँगी, क्योंकि मुझे अपना फेस लिफ्टेड दिखाना है। इसके बाद मैंने एक रेड कलर की क्रीम लिपस्टिक ली और जिसको मैंने अपनी चीक्स पर लगाया और इसको ब्लशर ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दिया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आ रहा था मेरे फेस पर। मेकअप बहुत अच्छा ड्यूई सा हो गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसको ब्लेंड करने के बाद अच्छे से अब मैंने अपने फेस पे बेकिंग कर लिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बेकिंग नहीं किया, जस्ट नॉर्मल बेकिंग। इसके बाद मैंने अपने आईज मेकअप स्टार्ट कर दिया। मैंने एक रेड कलर का आई शेडो दिया, इसको मैं अच्छे से क्रीज लाइन क्रिएट कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसके सेंटर पर एक ग्लिटरी शेड लगाया था सिल्वर कलर का, क्योंकि आज मैं हेल आइज मेकअप कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने एक इस तरह के स्पॉन्ज ब्रश पर लिया था। इसके बाद मैंने सेंटर पे सारे शिमर को अप्लाई कर दिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद मैंने एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से साइड से अच्छे से ब्लेंड कर दिया। तो मेरा हेलो आइज मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आप लोगों को हेलो आइज मेकअप करने में दिक्कत आती है, तो आप ये ट्रिक अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इस पर लगाया आई लाइनर मस्कारा और डन हो गया था मेरा मेकअप। उसके बाद मैंने लिपस्टिक लगाई थी डार्क, तो मैंने अपने हाइलाइटर एरियाज पर हाइलाइटर लगा दिया था, नोज़, उसके बोन एरियाज पर और लिप्स पर। इसी तरीके से मेरा लुक हो गया था डन। अगर आई होप यू लाइक दिस वीडियो।